नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आटा चक्की चलाने वालों का बेटा बना इसरो में वैज्ञानिक। छात्रों के छुट्टी मगर शिक्षक और कर्मी जाएंगे स्कूल। बिहार में आज से भरे जाएंगे इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। बिहार के मुखियाओं को दिया गया विशेष टास्क। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छात्रों की छुट्टी मगर शिक्षक और कर्मी जाएंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थान पर एक बार फिर से ताला लगा दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार यह छुट्टी केवल छात्रों के लिए है। शिक्षक और कर्मचारी को तय समय पर आकर अपनी ड्यूटी करनी होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज तो शैक्षणिक कार्यों के लिए बंद रहेंगे, पर शिक्षक और कर्मी अपनी ड्यूटी के समय मौजूद रहेंगे। हालांकि सभी से कोरोना से बचाव को लेकर प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। हालांकि स्कूल अब कब खुलेगा इसका निर्णय 11 अप्रैल के बाद ही लिया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 864 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावित तीन जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 372 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जहानाबाद में 60 तो भोजपुर में 46 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,560 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 263,233 मरीज कोविड 19 को मात देकर घर स्वस्थ वापस लौट चुके हैं। इनके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 98.08% हो गई है। बिहार में आज आ सकते हैं मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट। बिहार में इंटर परीक्षा के बाद मैट्रिक के परीक्षार्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद आज रिजल्ट के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आज रिजल्ट की घोषणा कर सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट मार्च में ही घोषित हालांकि किया जाना था, लेकिन होली के कारण नतीजे जारी करने में एक सप्ताह की देरी दर्ज की गई है। नतीजे जारी होने के बाद सभी परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किए गए रिजल्ट को जाकर देख सकते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी परीक्षा परिणाम आने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। खबरों की माने तो टॉपर्स का वेरिफिकेशन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसईबी ने पहले मूल्यांकन और अंक फीड करने का कार्य पूरा कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी से कृषि यंत्रों की होगी खरीदारी। कृषि यंत्रों की खरीदारी के लिए अब डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि यंत्र बैंक की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जून में 2,927 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में कृषि यंत्रों की खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी स्वीकृति से कृषि यंत्रों की खरीदारी होगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि कृषि यंत्रों की खरीदारी में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सहकारिता विभाग ने सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। आटा चक्की चलाने वाले का बेटा बना इसरो में वैज्ञानिक। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं और इसका प्रमाण समय समय पर बिहार में देखने को मिलता है। इसी क्रम में अब बिहार में एक युवा ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिसके तहत गया शहर के खरखुरा मोहल्ले के रहने वाले महेंद्र प्रताप के बेटे सुधांशु ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की एक नई इबादत लिखी है। देश भर में कुल 11 अभ्यर्थियों का चयन इसरो ने किया, जिसमें से गया के रहने वाले सुधांशु भी शामिल है। अपनी दिन रात की मेहनत से सुधांशु इसरो के वैज्ञानिक बन गए हैं, जिसके बाद अब सुधांशु का परिवार भी सुधांशु की सफलता पर गर्व कर रहा है। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ती महंगाई के बीच शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान में 2500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक बढ़ाने का मन बनाया गया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 3.25 लाख शिक्षकों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। पिछले साल कैबिनेट के फैसले से मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जो कि अप्रैल महीने से शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष पर लागू है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल जब शिक्षकों ने हड़ताल की थी, तब उनकी मुख्य मांगों में से एक वेतन वृद्धि भी थी।
बिहार में आज से भरे जाएंगे इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म। बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षा परिणाम कुछ समय पहले ही जारी किए गए हैं। हालांकि इसमें परीक्षा में दो विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा में एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, जिसके तहत बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थी जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने के योग्य है वो आज से परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इच्छुक और योग्य छात्र 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। स्कूल के प्राचार्य की तरफ से परीक्षार्थियों के फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी ने 31वीं न्यायिक सेवा और परियोजना प्रबंधक परीक्षा को किया स्थगित। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण शैक्षणिक संस्थान पर एक बार फिर से ताला लगा दिया गया है। वहीं अब इसका असर कई परीक्षाओं पर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित किए जाने वाली 31वीं न्यायिक सेवा और परियोजना प्रबंधक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दोनों ही परीक्षा इस महीने अप्रैल में होने वाली थी। इस बाबत बीपीएससी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा के आयोजन की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। छात्र पहले से ही कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए परीक्षार्थियों ने इंटरनेट पर मुहिम की शुरुआत भी कर दी थी। आपको बता दें कि यह परीक्षा 8 अप्रैल को होनी थी। इस तरह परियोजना प्रबंधक की प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को ली जानी थी। हालांकि अब यह परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुहासिनी मुलय की। सुहासिनी का जन्म पटना में हुआ था, जहां उन्होंने अपने बचपन का शुरुआती हिस्सा बिताया था। उन्होंने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जब वो केवल 3 वर्ष की थी और उसकी मां प्रख्यात वृत्त चित्र फिल्म निर्माता और फिल्म इतिहासकार विजया मुलय ने उन्हें पाला था। सुहासिनी मुलय बॉलीवुड, मराठी और असमी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी एक भारतीय अभिनेत्री है। 1999 में गुलजार की फिल्म हुतुतु में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। बिहार की हवा सुधारने को लेकर सरकार ने शुरू की पहल। बिहार की हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने अपनी पहल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए बिहार के 23 शहरों में अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों में इसके लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। आपको बता दें, पिछले साल तक पटना में 5, मुजफ्फरपुर और गया में ऐसे 1-1 केंद्र थे। नए वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र को शुरू किए जाने की योजना के संबंध में बताया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही इन केंद्रों के शुरू कर दिए जाने की बात आई है, जिसके बाद वाल्मीकि नगर, सिवान, छपरा, बक्सर, आरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार के संचिता बसु साउथ की फिल्मों में आएंगी नजर। बिहार के सिमरी बख्तियारपुर के सितुवाह पंचायत के महादेव मठ गांव की छात्रा संचिता बसु को साउथ की फिल्म में लीड हीरोइन की भूमिका निभाने का मौका मिला है। आपको बता दें, संचिता बसु ने पहले तो टिकटॉक स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, उसके बाद स्नेक ऐप पर सिंगिंग और डांस के क्षेत्र में उनके 11 मिलियन फॉलोअर्स बने हैं। एक छोटे से गाँव से निकली इस लड़की के इस प्रतिभा के सभी लोग कायल हो चुके हैं। उनके सफलता पर गाँव के सभी लोगों में खुशियों का माहौल है। उन्होंने बताया कि शुरू से वो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। साउथ के फिल्म में लीड हीरोइन का रोल मिलने से उनका सपना सच साबित होने जैसा है। नवादा में जहरीली शराब कांड में थानेदार पर गिरी गाज। बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि अब सरकार की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है, जिसके बाद थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एसपी धूरत साइली सावरला राम ने नगर थाना के थानेदार तारकेश्वर नाथ तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक नागेंद्र प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है। विशेष अधीक्षक मद्य निषेध विभाग पटना के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक चौकीदार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। विशेष जांच टीम ने स्वीकार किया है कि 16 लोगों की जान जाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना से नवादा आई विशेष जांच टीम ने जांच के दौरान स्वीकार किया है कि नवादा में 3 दिनों में जो जाने गई हैं, उनकी वजह जहरीली शराब ही थी। बिहार के 2 छात्रों ने कोरोना की आपदा में ढूंढा अवसर। कोरोना के कारण जहां हजारों लाखों लोगों को निराशा हाथ लगी है, वहीं बिहार के कई युवा ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने कोरोना के इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। इसी कड़ी में बिहार के 2 बच्चों ने भी कोरोना से बचने के लिए कोरोना अलर्ट डिवाइस बनाया है। इन दोनों छात्रों का नाम अर्पित और अभिजीत है। इन दोनों छात्रों के इस आविष्कार के बाद केंद्र सरकार ने इसे पेटेंट प्रमाण पत्र दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से बचाव का सबसे असरदार तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी। हालांकि जाने अनजाने में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, इसमें कोरोना अलर्ट डिवाइस आपकी मदद करेगा। आपको बता दें कि आप इस डिवाइस को डिवाइस बैच की तरह अपनी पॉकेट में लगा सकते हैं।
बुद्ध स्मृति पार्क के गौतम बुद्ध की अस्थि कलश को वैशाली ले जाने की है तैयारी। पटना जंक्शन के पास स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में गौतम बुद्ध से जुड़े कई अमूल्य धरोहर रखे हैं। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी खास तौर पर यहां दर्शन के लिए जरूर आते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र यही स्थल है जहां गौतम बुद्ध की अस्थि कलश के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ एक विशेष स्थल भी मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार अस्थि कलश को एक छोटे से डिब्बे नुमा आकृति में संजो कर रखा गया है। यह पूर्णतया वातानुकूलित कक्ष है। हालांकि अब इसे वैशाली ले जाने की तैयारी हो रही है। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम विनाले 2021 में बात करते हुए कहा था कि पटना से भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन ले जाया जाएगा। बिहार के मुखियाओं को दिया गया विशेष टास्क। बिहार के मुखियाओं को विशेष टास्क दिया गया है जिसके तहत गर्मी बढ़ने के कारण पीने के पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर विभिन्न पंचायतों के मुखिया विभाग के अधिकारियों को फोन पर फीडबैक देने का आदेश जारी कर दिया गया है। पीएचईडी विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल स्तर में होने वाली गिरावट को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पीएचईडी के अधिकारी ने यह साफ कहा है कि वो ग्राम पंचायत के मुखिया से अगस्त महीने तक फीडबैक ले। विभाग के सीनियर अफसर की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक कंट्रोल रूम के हर प्रभारी पदाधिकारी पंचायतों के मुखिया से फोन पर हर घर नल का जल योजना का फीडबैक लेंगे। नेहा सिंह राठौर का एक और पॉलिटिकल सॉन्ग सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। नेहा सिंह राठौर का एक और पॉलिटिकल सॉन्ग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस पोस्ट को अब तक 8 लाख लोग से ज्यादा यूट्यूब पर और 27,000 लोग खबर लिखे जाने तक देख चुके थे। आपको बता दें कि इस गाने को नेहा सिंह राठौर ने खुद लिखा है और गाया भी है, जिसका नाम राजा बरहो मास घुमेले बिदेसवा विकसवाना जन्मेले हो। गीत को जिस अंदाज में शुरू किया गया है उसे जहां निशान साधने की कोशिश की जा रही थी, तीर सीधा वहीं लगा है। नेहा सिंह का यह गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग भी कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोविड-19 बचाव पर डीएम का रथ करेगा शहरी बंदिशों को जागरूक। देश भर समेत बिहार में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच परिसर से 8 जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर बीते दिन रवाना किया। वहीं डीएम की तरफ से पटना के शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण को रोके जाने और बचाव के लिए लोगों को मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने और सैनिटाइजर से नियमित अंतराल पर हाथ धोने और 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक और प्रेरित किए जाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है। बिहार कांग्रेस दल में हुए कई लोग कोरोना ग्रस्त। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती देखी जा रही है। वहीं कोरोना का प्रभाव आम नागरिकों पर तो देखने को मिला ही, अब कोरोना की चपेट में कांग्रेस दल के कई नेता भी आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले दिनों बिहार के दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक राजेश राम और आनंद माधव कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं। उक्त सभी नेता होम आइसोलेशन में, उनका इलाज जारी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता असित तिवारी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि 11 अप्रैल तक किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार के इस निर्णय का सम्मान करती है। बिहार में बढ़ते अपराध पर जगदानंद सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। बिहार में आपराधिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर राजद नेता जगदानंद सिंह ने हाल ही में नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि बिहार के नवादा जिले में जहरीली शराब से जान गंवाने वालों के परिवार के साथ राजद हमेशा है। बिहार में लगातार अपराधी बढ़ रहे हैं। बिहार के हर जिले में घटना घट रही है। व्यापारी समुदाय के अपहरण और जान ली जा रही है। कोई समाज नहीं बचा हुआ है। बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी चलती है। पुलिस को यह मालूम है कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं हो सकता है। मुंगेर में सरकारी कर्मचारी के ही पुलिस कार्रवाई के कारण जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में हर व्यक्ति की जान जाना स्वाभाविक है। जान जाने के कारण चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह स्वभाव बन गया है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी आज ही के दिन पहुंचे थे। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई थी। भारत सरकार की तरफ से प्रायोजित पहली इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1961 में आज ही के दिन हुई थी। भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच 2002 में मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति आज ही के दिन बनी थी। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमर दास का जन्म 1479 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में आज के दिन हुआ था। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती का 1993 में रहस्यमय तरीके से आज के दिन उनकी जान गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग में 5 सूत्री प्लान हुआ जारी। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 सूत्री प्लान जारी किया गया है, जिसमें कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके, जिसके तहत टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड 19 का पालन और वैक्सीनेशन यदि पूरी तरह से गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाती है तो कोविड 19 के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी। 6 से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोविड 19 से बचाव को ध्यान में रखते हुए देशभर में 100% मास्क का इस्तेमाल, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थल पर स्वच्छता कितनी आवश्यक है इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। कोविड 19 ने बढ़ाई बीसीसीआई की चिंता। कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। देश भर में जारी किए जा रहे मामलों ने सरकार के साथ साथ अब बीसीसीआई की चिंता भी बढ़ा दी है। कुछ ही दिनों बाद आईपीएल का आयोजन होने वाला है, ऐसे में खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई नए सिरे से काम शुरू करने वाला है। हाल ही में अक्षर पटेल समेत कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से बीसीसीआई अब संबंधित खिलाड़ियों के टीकाकरण पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव शुक्ल ने रविवार को इस बारे में बात करते हुए कहा है कि बोर्ड टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ संपर्क में है। यूजर को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है फेसबुक। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच फेसबुक ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत यूजर को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक ने इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत फेसबुक यूजर प्रोफाइल में एक फ्रेम ऐड करके अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि उन्होंने कोविड 19 वैक्सीन लगवाया है। फेसबुक में यूजर को कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फीचर लॉन्च किया है। फेसबुक ने अपने ब्लॉग में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए बाहर निकलेंगे जब वो देखेंगे कि बहुत से लोग वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं। फेसबुक ने इसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ पार्टनरशिप की है। दिग्गज अभिनेत्री शशिकला ने 88 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। दिग्गज अभिनेत्री शशिकला ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वरिष्ठ राकंपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने शशिकला के गुजर जाने पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है कि दिग्गज अभिनेत्री शशिकला जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हुए भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही कई और सेलिब्रिटीज ने भी शशिकला के गुजर जाने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, शशिकला अगस्त 1932 में जन्मी थी और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल के साथ अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,910 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,010 रुपए था। वहीं पेट्रोल की बात करें तो राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.93 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.56 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है इरशाद अहमद, विकास महत्व, असीमा फिरदौस, अंकिता शर्मा, असलम राज, शबनम कुमारी, सोनू यादव, सलोनी सिंह, साहिल राज, बलिंदर कुमार, रवीश कुमार, सोनू कुमार, नितेश कुमार, सुनीता देवी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के क्या कारण हो सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।